नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे कि आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में किस तरह से मूव हुई, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट थे, कौन से रेजिस्टेंस ब्रेक हुए, कौन से सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ, कौन सा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, इन सब चीज़ की चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फाइनली यहां पर देखिए, अब हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है और अब हम यहां पर चर्चा करेंगे आज के एनालिसिस के बारे में और कल जो है एक्सपायरी डे है उस दिन मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है, कौन सा ऑप्शन हमको सेल करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हमको बाय करना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से नीचे से ड्रॉ करके रखी हुई है, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए, जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही है बाउंस बैक हो रहा है। बस फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई, यहाँ पर सेकंड टाइम आई और यहाँ पर मे भी कल यहाँ पर थर्ड टाइम आई थी और यहाँ पर बाउंस बैक होकर हमको जो है आज भी हमने ऊपर की डायरेक्शन में ही मूव किया। और फाइनली यहाँ पर देखिए, हमारे लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है ब्लैक कलर की, जो ये ट्रेंड लाइन देखिए कंटिन्यू इस हर्डल का काम कर रही है। जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही है तब तक मार्केट जो है नीचे की तरफ चली जा रही है। देखिए यहाँ पर एक बार जो है कंटिन्यू सस्टेन करने के बाद एक यहाँ पर डाउनफॉल आया, यहाँ पर भी देखिए दो तीन बार मार्केट यहाँ पर गई है बट यहाँ पर अगेन जो है नीचे की तरफ जो है मूवमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे लिए लेवल जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो इस समय ये देखिए हमारे पास जो हाई है वो 32,700 के आसपास हम इसको कह सकते हैं। तो नियर अबाउट देखिए 32,720 का एक हर्डल है यहाँ पर, 32,720 का लेवल जब हम निकालेंगे उसके बाद जो ये ऊपर की ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस होगा। तो अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है 32,720 का लेवल, 32,720 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो यहाँ पर हम क्लियर कट बाइंग के लिए जाएंगे। दूसरा देखिए, यहाँ पर मार्केट में एक ट्रेंड लाइन जो नीचे की तरफ ड्रॉ है जो सपोर्ट का काम कर रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन कहीं ब्रेक हो गई तो हम यहाँ पर मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल देख सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे लिए जो यहाँ पर स्विंग लो लगा हुआ है वो स्विंग लो 32,000-31,800 के आसपास है, तो 31,800 के ऊपर जब तक हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम यहाँ पर बुलिश रहेंगे। 31,800 के नीचे यहाँ पर बियरिशनेस यहाँ पर चालू हो सकती है, 31,800 के नीचे हमारा टारगेट जो है मे बी 31,050 के आसपास हो सकता है। चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह से मार्केट ने आज बिहेव किया, किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग हुई। अब मैं ये ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूँ जो मैंने वन डे के चार्ट में ड्रॉ करके रखी हुई थी, अदरवाइज यहाँ पर हमको लेवल्स देखने में प्रॉब्लम होगी। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी के और यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं आज डे की किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट हुई। तो फाइनली ये देखिए, मैंने आपको मॉर्निंग टाइम में यहाँ पर जो एक हाई लगा था मॉर्निंग पहली 5 मिनट की कैंडल में, मैंने आपको यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ करके दिया था कि अगर हम इस लेवल के ऊपर निकलते हैं तो हमको यहाँ पर क्लियर कट बाइंग करनी है। ओके, स्टॉप लॉस हमारा देखिए जो डे लो है उसके आसपास ही रखना है। तो फाइनली देखिए, हमने यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं की बट यहाँ पर 32,450 से ऊपर निकले हैं तो 32,600 के लेवल के आसपास गए हैं, मीन्स हमको यहाँ पर 650 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली है। अब देखिए यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी जो फाइनली देखिए सेकंड सेशन में ब्रेक हुई। एक ट्रेंड लाइन देखिए ये थी, ठीक है। अब दूसरी ट्रेंड लाइन देखिए जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई थी वो दूसरी ट्रेंड लाइन ये थी। और तो फाइनली यहाँ पर देखिए, जो लास्ट 15 मिनट की कैंडल है उसने इस दूसरी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। कल के सेशन में किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, कल एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी डे में हम यहाँ पर किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो देखिए यहाँ से एक गिरावट आ सकती है, ये एक सेल लेवल है, यहाँ पर एक सेल जोन है 32,700 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ पर मिलती है तो आप यहाँ पर मे बी 32,700 की कॉल सेल कर सकते हैं, 32,700 की कॉल राइट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन बायर है यहाँ पर तो वहाँ पर एक बड़े मूव की आपको वेट करनी पड़ेगी। देखिए मे बी कल यहाँ पर मार्केट कुछ साइडवेज हो सकती है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तेजी आ चुकी है। तो कल मार्केट की जो रेंज रहने वाली है वो रेंज देखिए 32,700 से लेकर के कहीं 32,300-400 के आसपास हो सकती है। मे बी अगर 32,300 का लेवल ब्रेक होता है तो हम 32,150 के आसपास का लेवल हम यहाँ पर देखेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं किस तरह से कल हमको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 32,500 का लेवल ब्रेक करती है तो हम सेल के लिए जाएंगे और हमारा टारगेट जो होगा 32,350 के आसपास होगा। मार्केट मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन फिलहाल अभी क्लोजिंग जो आई है वो 32,500 के आसपास आई है, तो यहाँ पर अगर 200 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हम यहाँ पर देखते हैं, गैप अप ओपनिंग देखते हैं और 32,700 के आसपास देखते हैं तो यहाँ से जो है एक हमको 100 से 200 पॉइंट्स का हमको जो है यहाँ पर बिल्कुल डाउनफॉल यहाँ हमको देखने का मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, या तो यहाँ पर कॉल राइट कर सकते हैं, 32,700 की कॉल राइट कर सकते हैं या 32,800 की कॉल राइट कर सकते हैं, या तो अगर बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग इस लेवल के ऊपर हमने देखना है। दूसरा देखिए, अब मैंने आपको दोनों सेलिंग के मैंने बता दिए कि ये लेवल जो है हमारा सेल का एरिया है। देखिए यहाँ पर जो है वेट करना है, अगर आपको प्रॉपर कोई बड़ी कैंडल मिलती है ब्रेकआउट की तब हमको बाइंग के लिए जाना है, अदरवाइज मे बी जिस तरह की मूव यहाँ पर सेकंड सेशन में हमको देखने को मिली है मार्केट ये इंडिकेट
कर रही है कि मार्केट कल साइडवेज हो सकती है। बाइंग सेल का मैंने आपको बता दिया कि ये जो 3200 का लेवल है, यहाँ पर जाने के बाद मार्केट मान लीजिए रेंज बनाती है, रेंज बनाने के बाद रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो वहाँ पर सेल के लिए जा सकते हैं। दूसरा मार्केट मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 3200 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद उसको क्लोज करती है तो हम वहाँ पर जा सकते हैं सेलिंग के लिए। बाइंग के सिनेरियो में आपको बताता हूँ कि बाइंग हम किस सिनेरियो में कर सकते हैं। सेलिंग का लेवल मैंने आपको बता दिया। बैंक देखिए इस लेवल के आसपास, जहां से आज बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक किया था, इस लेवल के आसपास आकर 32,350 का लेवल एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। 32,350 का लेवल, सॉरी 32,350 के आसपास आने के बाद आप यहां पर मे भी देखिए 32,300 की कॉल बाय कर सकते हैं या फिर यहां पर 32,300 की पुट राइटिंग कर सकते हैं। बट देखिए मेरे हिसाब से कल के दिन में जो है ऑप्शन राइटिंग ज़्यादा बेहतर रहेगी रेदर देन ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन राइटिंग में आप जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं, बट ऑप्शन बाइंग में जाएंगे तो ऑप्शन बाइंग के लिए हमको एक बड़ी मूव चाहिए। सो बाइंग के लेवल सुन लीजिए, ये 32,350 के आसपास से यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ से हम या फिर कॉल बाय कर सकते हैं या फिर पुट राइट कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक होता है 32,720 का लेवल, मीन्स यहाँ पर अगर डे हाई ब्रेक होता है, सॉरी लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम एक बड़ी तेजी देखने को मिलेंगे। अब देखिए मान लीजिए अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है, 32,350 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है और मार्केट 32,350 का लेवल ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर एक बहुत शार्प डाउनफॉल देखने वाले हैं, तो इसी का ध्यान रखिएगा। आज एक 5 मिनट के चार्ट पैटर्न में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न वहां पर फॉर्म हो रहा था बट वो एक्टिव नहीं हुआ। अगर वो एक्टिव हो जाता तो समझ लीजिए वो मूव हमको आज ही देखने को मिल जाती। ये ध्यान रखिएगा 32,350 के नीचे हम बहुत तेजी से गिरने वाले हैं। हमारा टारगेट होगा 32,150 और 32,050 का, तो ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सपोर्ट का काम करेगा और यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 32,350 के नीचे जब निकलेगा तो मैं यहाँ पर 32,300 की कॉल राइट करूंगा। चलिए वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में बता दूंगा। बाकी जो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट मैंने मॉर्निंग टाइम में ही आपको पोस्ट कर दिए थे वन सिंगल एरो बना के, उम्मीद करता हूँ कि उस चार्ट ने आपकी बहुत हेल्प की होगी और आपको एक अच्छा ट्रेड लेने में उस चार्ट ने मदद की होगी। सो अगर आप लोगों ने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी में भी देखिए एक ट्रेंड लाइन यहां से नीचे हमने ड्रॉ करके रखी हुई है। फर्स्ट टाइम यहां पर आया, बाउंस बैक हुआ है। दूसरी बार यहां पर परसों की डेट में आया था, यहां से अगेन बाउंस बैक हुआ था। निफ्टी यहां पर देखिए बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, एक बात का ध्यान रखिएगा। निफ्टी को बाइंग करने में आप हिचकिच नहीं कर सकते, मीन्स यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए निफ्टी को बाइंग करने में, बट बैंक निफ्टी को बाइंग करने में थोड़ा सा वहाँ पर हमको डाटा एनालिसिस करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर देखिए निफ्टी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है बैंक निफ्टी से। अब देखिए यहाँ पर जो देखिए डे हाई जो लगा हुआ है वो 14,665 का लगा हुआ है और जो डे लो लगा हुआ है वो 14,517 का लगा हुआ है। मे बी हम कह सकते हैं यहाँ पर 150 पॉइंट्स की मूव हमको यहाँ पर आज देखने को मिली है। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं आज यहाँ पर क्या हुआ। देखिए मैंने आपको मॉर्निंग सेशन में 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है चलिए मैं 5 मिनट का चार्ट लगा ही लेता हूँ फिर आप लोगों को अच्छी तरह समझा दूँ। देखिए चीज़ आपको समझ में आ गई तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद सफल हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस लेवल के आसपास मैंने आपको देखिए क्या दिया था, बाइंग दिया था। मीन्स यहाँ पर एक मैंने ऊपर की तरफ का एरो बना के दिया था और मैंने बताया था कि अगर ये डे हाई निकालता है तो यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये स्विंग लो होता है, जो यहाँ पर स्विंग लो लगा हुआ है ये स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए और यहाँ से हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए 14,580 से लेकर के यहाँ पर जो हाई लगा है वो 14,660 का 65 का लगा है, तो मे बी हम यहाँ पर कह सकते हैं हमको 85 पॉइंट्स की मूव हमको यहाँ पर मिली होगी। अगर आपने जो मैंने चार्ट पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल में उसके बिहाफ पे अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपने एक अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पर हमको कल किस तरह से हमको ट्रेड करना है, कौन सी मूव हमको पकड़नी है, कौन से सपोर्ट यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, वो सपोर्ट लाइक इस तरह से। अब ये देखिए एक सपोर्ट तो हमारा ये हो गया, मीन्स यहाँ पर अभी बिल्कुल ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर निफ्टी खड़ी है और यहाँ पर कल अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास सबसे पहला जो लेवल यहाँ पर निकल कर आएगा वो ये सपोर्ट आएगा। तो इस सपोर्ट के आसपास देखिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। क्यों बाउंस बैक हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब ये लेवल ब्रेक हुआ था तो ये ब्रेक होने से पहले ये रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस के बाद देखिए फाइनली ये क्या बना, सपोर्ट। और सपोर्ट के बाद यहाँ पर ये जो कैंडल बन रही थी ये काफ़ी ऐसी लग रही थी जैसे मतलब काफ़ी तेजी से नीचे की तरफ गिरेगी, बट फाइनली यहाँ पर देखिए हैमर कैंडल बन गया और यहाँ से नीचे से बाइंग आ गई। सो यहाँ पर आपने देखा कि कितना अच्छा बाउंस बैक हुआ है। सो यहाँ पर देखिए बाइंग का लेवल जो होगा वो होगा 14,570 का। इस लेवल के आसपास अगर अगेन आपको दोबारा फिर मिलता है तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं,
14,600 की कॉल बाय कर सकते हैं या फिर 14,500 की पुट राइटिंग कर सकते हैं। कल ऑप्शन डे है, एक्सपायरी डे है, सो यहाँ पर पैसे बनाने का अच्छा टाइम है। दूसरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है। तो देखिए, गैप डाउन ओपनिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि 14,570 के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ से आप जो है 14,600 की कॉल बाय कर सकते हैं या 14,550 की पुट राइटिंग कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है तो एक बार हमको 14,670 का लेवल निकालना है। 14,670 के ऊपर अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है तो मे बी वहां पर देखिए एक आपको स्विंग लो का इंतजार करना है, और जैसे ही हाई निकलता है वैसे ही वहां पर आपको बाइंग बनानी है। मीन्स देखिए, स्विंग लो ये हो गया और यहाँ पर हाई निकला और यहाँ पर हमने बाइंग बनाई, ठीक है। तो ये हमारा कल का प्लान होना चाहिए। दूसरा ध्यान रखिएगा, 14,570 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 14,550 से लेकर 14,570। अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है तो हमें भी हम यहाँ पर जो टारगेट देखेंगे वो 14,450 के आसपास देखेंगे। तो हम यहाँ पर मेप देखिए कितना हम 100 से 120 पॉइंट्स का डाउनफॉल देख सकते हैं अगर 14,570 14,550 का लेवल ब्रेक होता है। तो मे भी अगर देखिए कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलता रहा तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद 14,550 का लेवल ब्रेक कर देगा तब हम यहाँ पर बेरिश होने वाले हैं। तो चलिए, अब जो बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर, कि बैंक निफ्टी में जो स्टॉक है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कौन से ऐसे स्टॉक है जो कल बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में हेल्प कर सकते हैं। तो फाइनली चलिए, मैंने यहाँ पर जो है अपना फायर्स का मैंने टर्मिनल यहाँ पर ऑन कर लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। चलिए, निफ्टी बैंक मैंने यहाँ पर खोल लिया है, इंडेक्स नहीं सॉरी, मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं उनमें आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पर फाइनली देखिए, जो ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर रेड कलर की ड्रॉ करके रखी हुई है, फाइनली यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था बाइंग के लिए 675 रुपये के ऊपर। फाइनली देखिए, यहाँ पर 675 रुपये क्लोजिंग नहीं आई। अब यहाँ पर देखिए हमको कल क्या करना है, 680 रुपये के ऊपर निकलता है तो मे बी टारगेट हमारा यहाँ पर छोटा होने वाला है, 688 से 690 के आसपास बुक करना होगा। बट यहाँ पर अगर 690 के ऊपर एक्सिस बैंक निकलता है तो हम यहाँ पर एक अच्छी खासी मूव देखेंगे, टारगेट हमारा 700 के आसपास होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट लेकर फाइनली ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया था, बट मैंने देखिए कल आपको एक चीज़ बताई थी, वो मैंने ये बताया था कि ये कई बार जो डोजियाँ बनती हैं, डोजी देखिए अगर कंटिन्यू एक अप ट्रेंड के बाद बन रही है तो वहाँ से मे बी रिवर्सल हो सकता है, एक डाउन ट्रेंड के बाद बन रही है तो मे बी वहाँ से रिवर्सल हो सकता है। बट इस तरह की जो डोजियाँ होती हैं वो कंटिन्यूस पैटर्न में बनती है, मीन्स ये जो डोजी होती है ये कंटिन्यू, मतलब यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए भी कई बार डोजियाँ बनती हैं। सो यहाँ पर हमारा फाइनल टारगेट जो देखिए वो यहाँ पर है, मे बी आप कह सकते हैं 335 के आसपास। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग कब करनी है, 350 के नीचे निकलता है या 352 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर टारगेट हमारा 349 और 345 और 340 का होगा। तो ध्यान रखिएगा, लेवल पे ही ट्रेडिंग करिएगा, 352 के निकलने नीचे निकलने के बाद ही ट्रेडिंग करिएगा। अगर हाँ बाइंग के लिए जाना है तो यहाँ पर 370 का लेवल एक बार ऊपर की तरफ क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर हम बाइंग के लिए देखेंगे। अगर मुझे कोई ऐसा पैटर्न दिखता होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक देखिए फाइनली ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर देखिए आज जो है एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप की यहाँ पर आ गई है। बाइंग के लिए देखिए मैंने क्लियर कट आपको बताया हुआ कि अगर ये 1,515 रुपए के ऊपर निकलता तभी बाइंग करनी है, अदरवाइज अभी बाइंग नहीं करनी है। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं कि इसमें सेल का ट्रेड बिल्कुल नहीं बनाना है आपने, अगर सेल का ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन फाइनली ब्रेक हुआ और ये सपोर्ट जोन बना, सपोर्ट से देखिए फाइनली यहाँ पर रीटेस्ट होने के बाद ऊपर की तरफ निकल रहा है। 1,515 के ऊपर यहाँ पर बाइंग करिए, 1,530 और 1,545 का टारगेट है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए देखिए कंटिन्यू यही चैनल के बीच में अभी ट्रेडिंग हो रही है। अब देखिए यहाँ पर बाइंग देखिए कहाँ पर करना है, मैं बता देता हूँ लेवल आपको प्रॉपर। 555 रुपये के ऊपर निकलता है तो 555 के ऊपर निकलता है या 555 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो मे बी यहाँ पर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 560 का पहला टारगेट। देखिए पहला टारगेट आपका आएगा 560 या 562 का, आपको वहाँ पर 75% या 70% क्वांटिटी बुक कर लेनी है। आपको सबसे पहले अपना प्रॉफिट लॉक करना है और जो प्रॉफिट हुआ है अब उसी प्रॉफिट में से रिस्क लेना है, जो रेस्ट जो बची हुई 30% क्वांटिटी है उसके लिए। कभी भी अपने कैपिटल पर रिस्क मत लीजिए, जब एक बार आपका प्रॉफिट में आ चुके हैं तो अपने ग्रीन अकाउंट को कभी भी रेड में कन्वर्ट मत करिए। देखिए ये सब चीज़ें सीखेंगे भी इंट्राडे में आप पैसे बना पाएंगे। इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक के लिए जो फाइनली ये देखिए रेड कलर की ट्रेंड लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, या तो फिर ये लेवल क्रॉस करें 985 का, 985 का लेवल क्रॉस करेगा तब हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। और फाइनली यहाँ पर सेलिंग के लिए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर ये 920 का लेवल क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे, टारगेट हमारा सेलिंग के लिए 900 के आसपास रहेगा। देखिए बहुत बड़े टारगेट के लिए इंट्राडे मत बैठिएगा क्योंकि मे बी कल मार्केट साइडवेज हो सकती है, सो ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा ऑप्शन
राइटिंग में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली एक्सपायरी वाले दिन जो है ऑप्शन राइटिंग में ज़्यादा पैसे बनते हैं। ऑप्शन बाइंग में आप पैसे तभी बना सकते हैं जब आपको कोई इंपल्स मूव मिले या फिर कोई बिल्कुल स्पाइक मूव मिले, वहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग में अच्छे पैसे बना सकते हैं। देखिए है तो मतलब ऑप्शन राइटिंग में रिस्क अनलिमिटेड है, बट अगर आप पहले से अपना रिस्क मैनेज करके चलेंगे तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, तब तो आपको ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉब्लम होने वाली है। फाइनली देखिए हम आ गए हैं कोटक बैंक पर। कोटक बैंक को मैंने देखिए आपको बाइंग के लिए बताया था 1900 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग के ऊपर। अब ये 1900 रुपये के ऊपर अगर कल क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा 1920 और 1930 का होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक ने देखिए फाइनली जो रजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर फाइनली फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिटेस्ट करके यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। देखिए मैं यहाँ से आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाऊं। इस तरह से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है और फाइनली देखिए इस ट्रेंड लाइन को कल निकाला था आरबीएल बैंक ने। अब यहाँ पर जो बाइंग करनी है वो 260 के ऊपर निकलता है तब यहाँ पर बाइंग के लिए देखिए, अदरवाइज को रहने दीजिए। बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं ट्रेडिंग करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए यहाँ पर फाइनली देखिए एक कंटिन्यू जो पैटर्न जो यहाँ पर बनता है ये सपोर्ट के आसपास इस तरह के पैटर्न बनते हैं और फाइनली देखिए ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पर बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए मे भी देखिए आपको 305 का लेवल का वेट करना है। 305 के लेवल के ऊपर अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है तो आप वहां पर बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज सेलिंग के लिए इसको यहां पर मत देखिए, क्योंकि यहां पर कंटिन्यू यहां पर हायर हाई हायर लो की फॉर्म में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर की तरफ चलते जा रहा है। तो फाइनली चलिए देखिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए करिए। दूसरा, अगर जो एनालिसिस मैं आप लोगों करके बताता हूँ उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, या कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता नहीं चला है, कौन सी ट्रेंड लाइन के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं आपके क्वेरी का रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।